हेलो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। फ्रेंड्स, गर्मियों में हम हमारे पौधे को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे दो टाइम पानी देते हैं, मल्चिंग करते हैं, मिस्टिंग करते हैं, ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के साथ साथ हमें फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि पौधे के रूट्स जो है जले नहीं, पौधे को साथ में न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो ये फर्टिलाइज़र हमें हमारे किचन वेस्ट से ही मिलेगा, और वो है चावल बनाने के बाद जो पानी बच जाता है, वो पानी जिसे मान का पानी भी कहते हैं, इसे पसिया भी कहते हैं। ये बहुत ठंडा है और इसे पौधे में जब हम डालते हैं तो इसे उससे रूट्स जो है बहुत रूट्स को ठंडक मिलती है, मिट्टी भी ठंडी रहती है, प्लांट्स को जो है बहुत ठंडक मिलती है गर्मियों में। तो गर्मियों के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मैं मेरे सभी प्लांट्स को यही फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती हूँ अप्रैल मई जून पूरे गर्मी भर में। और इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आज क्या करना है वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि इसे और ज़्यादा पावरफुल हम कैसे बनाएं, इसे प्लांट्स में कैसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये है चावल का पानी, जो चावल बनाने के बाद पानी बच जाता है वो। इसे हमेशा छान के ही इस्तेमाल करें, कभी भी इसे जो है एज इट इज यूज़ ना करें। अब इसमें थोड़ी सी सरसों की खली मैं इसमें डाल रही हूँ। सरसों की खली को डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दें। 24 आवर्स के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा पौधे में डालने के लिए। और इसे स्प्रे बॉटल में डाल के पत्तों में भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्तों को एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगी, पत्ते भी जो है हेल्दी रहेंगे। और जब बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाए तब ये फर्टिलाइज़र को डालना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो और फिर उसके बाद अभी इसका कलर कुछ ऐसा है, ब्लैक ब्लैक टाइप से है। और ये वाला जो फर्टिलाइज़र देखिए, इसे मैं कल बनाई थी और इसका कलर कुछ चेंज सा हो गया है, थोड़ा लाइट येल्लो कलर का इसका कलर आ गया है। ये देखिए, ये कुछ इसका कलर ऐसा है। तो अब ये तैयार हो गया है पौधे में डालने के लिए। तो इसे जैसे एक मग मैं ये वाला फर्टिलाइज़र ली हूँ, इसमें अब इसमें दो मग नॉर्मल पानी डाल दें। इसका घोल जो है थोड़ा पतला ही डालें, गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो उसे थोड़ा पतला ही डालना है। अब ये पूरी तरह से ये तैयार हो गया है पौधे में डालने के लिए, और इसे बस ऐसे ले के और अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं। देखिए, मैं ये अडेनियम में भी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो चुके हैं, अब इसमें बर्ड्स आ गए हैं। और इसे स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तों में जब नई कलियाँ ऐसे आने स्टार्ट हो जाती है तो इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, बहुत ठंडा खाद ये तैयार हो गया है पौधे के लिए। इसे हर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल वाले, फ्रूट्स वाले, इंडोर आउटडोर सीजनेबल वाले, हर किसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है गर्मियों के लिए। मैं अपने सभी प्लांट्स को यही फर्टिलाइज़र देती हूँ अप्रैल मई जून जुलाई पूरी गर्मी भर में यही फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती हूँ। और जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसे पसिया का पानी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह हम छेना का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को फाड़ने के बाद जो छेना पानी निकलता है वो देखिए ये है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही सरसों खली को डाल के और 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दें और इसे पूरा भीगने दें रात भर, और फिर नेक्स्ट डे इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तैयार हो जाएगा। ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है पौधे के लिए गर्मियों में, और इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ये हमारे किचन वेस्ट से ही हमको मिल जाएगा, और बहुत ठंडा खाद ये तैयार हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो होप फ्रेंड्स, आपको ये फर्टिलाइज़र बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। तो आप अपने गर्मियों में सभी पौधे को यही फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें और अपने पौधे को जलने से बचा सकते हैं, कड़कती धूप से, तेज़ धूप से, गर्मियों से। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेके दूसरे वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स, बाय।